जी दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपके जो टूथ है यानी कि आपको जो दांत है उसके अंदर पीलापन या फिर एक प्रकार का ब्राउन जैसा कलर हो जाता है, वो चाहे उसके पीछे कारण कोई भी हो सकता है, चाहे आप ज्यादा गुटखा खा रहे हैं या फिर किसी भी कारण के साथ आप सही तरह से दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा पीलापन आ गया या फिर ऐसा ब्राउन कलर जैसा अगर आपके दांत हो गए हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा। सिर्फ काफी सस्ती और हो सके तो आपके घर में भी मिल जाएगी वो चीजें, जिनसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप अपने दांत है वो तुरंत सिर्फ 2 मिनट में आप ऐसे व्हाइट कर सकते हैं, मतलब प्योर अच्छी तरह से व्हाइट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं चैनल, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर यूज करने वाला हूं मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने कई वीडियो भी देखी होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में बार्किंग सोडा जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग सोडा जिसे कहते हैं, ये दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है तो सबसे पहले मैं बता दूंगा। अगर आपके सामान्य अगर पीलापन है दांतों में तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर खास ध्यान रखना है कि बाजार में मिलने वाला जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है 6% होता है और ये एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। लेकिन अगर इसको आपको इस्तेमाल करना है मुंह के अंदर, मतलब ये दांतों के लिए अगर इस्तेमाल करना है व्हाइटनिंग के लिए, तो इसका 3% वेट बाय वॉल्यूम करना होगा, यानी कि इक्वल वाटर लीजिए और इक्वल ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि 1 कप अगर आप ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं तो 1 कप वाटर लीजिए, दोनों समान पार्ट्स में लीजिए, दोनों को मिक्स करके आप इस्तेमाल करते तो 3% बन जाता है। तो इसको इस्तेमाल करना है 3%। पहले मैं बताता हूँ आपको इसे किस कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप इसको, मैंने बताया, इस प्रकार से दोनों का इक्वल पार्ट्स लेकर दोनों को मिक्स कर दीजिए, उसके बाद में आप इससे कुल्ला कर दीजिए, मुंह में गार्गल कर सकते हैं आप। इसको 1 मिनट तक, मैक्सिमम 1 मिनट तक आपको मुंह में रखने के बाद उसको थूक देना है, यानी कि निकलना बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से भी आपके जो दांतों पर जो एक प्रकार का पीलापन होगा वो निकल जाएगा। अगर सामान्य होगा, नॉर्मल होगा एक प्रकार का पीलापन, तो आसानी से निकल जाएगा सिर्फ इससे। अगर इससे भी नहीं निकलता या फिर ज़्यादा पीलापन है तो आप इसके अंदर ये जो कुकिंग सोडा होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा इसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ वीडियो में बता देते हैं लेकिन किसी को डाउट रहता है कि इनसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है, यानी कि सोडा है तो मुंह में डालेंगे तो हो सकता है छाले जैसे हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका जो परसेंटेज और मिक्स करने का जो तरीका होता है वो आप पूरा वीडियो में प्रैक्टिकल देखिए, फिर आपको लगेगा। मैं खुद अपने दांतों पर इसे प्रैक्टिकल पर मैं बताऊँगा कि इसमें कुछ नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरा ये डेमो करके बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा डेमो करके बताया, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट या फिर कुछ सावधानी रखने की जरूरत है कि जैसे कि आप अगर इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मैंने बताया इसका इस्तेमाल अगर 6% डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान कर सकता है मुंह में, दांत में। तो इसका 3% वेट में वॉल्यूम इसका करने का जरूरत होती है। बाजार में जो भी आप लाएंगे वो 6% आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसको इक्वल पार्ट्स में डायल्यूट करना पड़ता है, तो 3% इस्तेमाल कीजिए। और इसको इस्तेमाल करते वक्त खास ध्यान रखना है कि
सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा एक ही बार इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सप्ताह में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा टाइम अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ सावधानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर सेंसिटिविटी अगर किसी भी प्रकार की आपको होती है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको डेंटल वाइटनिंग की जो ट्रिक्स है वो मैंने बताई है, काफी सस्ती आपको घर पर भी मिल जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाजार से लानी पड़ेगी, और ये जो सोडा होता है वो आपको किचन में मिल जाएगा आसानी से। इस प्रकार से आप दोनों का इस्तेमाल करके अपने जो दांत है उसको एकदम से व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।